चन की चाननी खिड़की दियां चिथां विच्चों चढ़दी चिट्टी चिट्टी रोशनी दियां रिश्मां वंड रही सी। चिराग घूक सुत्ता पिया सी। मोहमारी मीरा भी उसनू घुट घुट के प्यार नाल सीने लौंदी बिस्तर विच ही ढेरी हो गई। अनिंद्रा दोहां दियां अखां विच रड़कदा सी ते पता नहीं कदों वह नींद की आगोश विच जा समाई। लाली भी पहले दिन तो ही पूरी शिद्दत नाल अंजू की मेहमान नवाजी करती। उसके कमरे की साफ सफाई कपड़े लीड़े धोण अते खाण पीण का उचेचा ध्यान रखती। उसकी नेक दिली अंजू नू पहले दिन तो ही पा गई सी, सो लाली विच उसका ध्यान रहना सुभाविक ही सी। एक दिन रसोई विच परौंठे पकाउंदी लाली दे कोल जाके अंजू ने परौंठे चोपड़ने शुरू कर दिते अते भज जिहे नाल लाली वल हथ रखदी बोली, आ चन नू कादा ग्रहण लग्याड़ीए। आटे दे पेड़े नू हथ ते जोर जोर नाल तलियां ते कमाउंदी लाली बिना देखे ही बोली, तकदीर दा उह ते आप ही लिखणी हुंदी है तुसी लोकां ने। रब ने कहड़ी कमी छड्डी तुहाडे विच, अरशां तो उतरी हूर परी वर्गी तां ऐ। जिस मर्जी नू इस हुसन की पटारी विच कील के पा छड्ड, की औखा काम है। अंजू जी तुहाडा भरम है, तकदीर लिखण वेले भी वह उपर वाला आप दे हाथ विच बड़ा कुछ रख लैंदा, नहीं तो बंदा तां इन्नी शातर शह है कि रब नू भी टब आखे। पर अड़िए एक गल मेरी समझ तो बाहर है, तू ये दस तू इत्थे हड्ड मास दे पुतलियां विच की करदी है, तेरे अंदर मर्द की चाहत पड़थू नहीं पौंदी। कहंदे ने कि ये तां ज्वालामुखी की अग तो भी भयानक हुंदी है। दो वार तां रंडी हो चुकी हां, हुण लोकां दे किन्ने को पुत खा लवां। मेरी ये अग तां सिव्यां दे काम ही आई है, हुण तां मेरे अंदर डर ते सहम दी सिलण जम्मी पई है। तुहाडे वर्गियां तो जूण लई नेगुदारा मंगदी फिरदी हां। लाली भरे मन नाल बोली, जा परे किहड़े जमाने विच रहनी है, ये सब वहम भरम ने। हर कोई आपदी आई मरदा, ना कि किसी की वजह नाल मरदा। सियाणी बण जिंदगी वार वार नहीं मिलती, तेरी ये उम्र मलमल वटना लाउण दी, हत्थां पैरां ते मेहंदी लाउण, सुच्चे तिले दे परांदे वालां च गुंदण अते गोटे किनारे दियां चुन्नियां लैण दी है। कोई आपदे हाण दा लभ ते चा मलार नाल दिन कट। सानू पुछ के वेख इस सुंदरता दा मुल की हुंदा। चलो अंजू जी तुसी मेरा संसार छड्डो, खाओ पियो मौज करो, तुहाडी सेवा विच ही मैनू सुकून है। गल नू मोड़ा पौंदी लाली बोली, चल झूठी आखेखण मैनू बहुत बुरे लगते ने, मर्यादा दियां फोकियां कंधा उसार के हनेरा करी बैठी है किस दे लई। कौन है जो हुण कहेगा कि लाली तू ए क्यों कीता। किथे ने वड्डियां वड्डियां इज्जतां वाले तेरे वीर जो कुंभकर्ण दी नींद सुते पए ने कुमारी भैण नू घरों तोर के। सब पखंड ने, सारी दुनिया स्वार्थी है, इत्थे बणी चल ड्रामे दा हिस्सा तू भी। की मतलब तुहाडा। लाली अंजू नू भरी पीती देख के पुछी बैठी, आहो मैनू पता कि तू चंगे जिमीदारां दी धी है ते ओह मरासी है। कह के अंजू एकदम चुप हो गई। कौन किस दी गल करदे हो, लाली बोली। ये तू भी जानदी है ते मैं भी कि कौड़ा मल दी गल हो रही है। गोरी कोठी विच दो ही तां संपूर्ण मुकम्मल इंसान हन, तू औरत ते ओह मर्द। उस दिन मेरे विआह वाली झूठी मूठी रसम वेले भी तुहाडे दोहां दे नैण वार वार टकराए, तुहाडी दोहां दी प्यास तुहाडे सिर चढ़ के बोली। आपदे दिल दी सुरमेदानी चों ऊ तेरे नैणी कजला पाउणा चाहुंदा सी, मैं तां तुहाडे चेहरे मिंटां च पड़ गई सी। ओह वार वार अथरी लहर वांग तेरे कोल आउंदा सी, तेरे डूंघे नैणां दी झील विच डुब मरना चाहुंदा सी। पर खबरे तेरा डर जां तेरी हैंकड़ दा पहरा सी उस कंडियाली तार दी चार दुआरी नू पार कर जाण दा, ओह वी हौसला ना जुटा पाया सी। नहीं अंजू जी, मेरे विच जिंदगी नाल संघर्ष करन दी हिम्मत नहीं रही। हैंकड़ का दी मर के तां सब ने मिट्टी ही होना है। देख मैनू बेसमझ ना जाण, मैं मनोविग्ञान दी विद्यार्थन रही हाँ, तुहाडे दिल दी गल कहण विच लई मैं डरदी नहीं। सच तां इह है कि मेरा इत्थे रुकण दा मकसद भी तू ही है। दो जिंदगियां नू मेल के पुन खटण दा मैं फैसला कीता सी, पर कोई जबरदस्ती नहीं,
अलबत्ता दोनों पासे प्यार मुहब्बत की जोत जगती होवे। तुसी अंजू जी एक खूबसूरत रूह हो, रब ने तुहाडे ये डंड क्यों लाया? लाली मोहवस बोली, तू मेरी गल छड़ ते आ बाकी रही धर्म जात पात दा राम रोला, ये सब बेअर्थ गल्लां ने। साडे विचों तां बहुतियां नूं ये भी नहीं पता हुंदा कि असी की हाँ, कौन हाँ। इंसानियत ही सब तो वड्डा धर्म है, सो जे कौड़ा मल तेरे मन दे मेच आ तां हाँ कर दे। लाली असली मुद्दे ते आउंदी बोली, मैं अजे इस बारे कुछ नहीं सोचिया अंजू जी, ये एक वड्डा फैसला है। लाली ने उत्तर दिता, चलो हो सकता है मैं ही गलत हुआ, फिर क्यों समा बर्बाद करना है? पिछे काफ़ी काम अधूरे पए हैं, रोज़ फोन ते फोन आ रहे हैं, सो सवेरे मैं 8 वाली गड्डी फड़ के दिल्ली वापस चली जावांगी। की गल, सवेरे ही वापसी? तुसी तां कुछ दिन रुकण लई कहा सी अंजू जान। चिराग नूं गोदी चुकी आउंदी रसोई विच वड़दी मीरा बोली, ओ यार दिल्लियों फोन आ गया, जरूरी काम करके मुड़ना पैना। मैं तां लाली नूं कहण आई सी कि कल सवेरे सजरे चाह पानी दे दी तां जो मैं 8 वाली रेलगड्डी फड़ सकां। चल अच्छा, जिवें तेरी मर्जी, खा पी फिर खरीदो फरोख्त करके आईए। कह के सब जने नाश्ता खाण लंगर हाल विच बैठे ही सन कि चादरे नूं ठीक करदा कोड़ा मल अंदर दाखल होया। लाली दा चिरा उसनूं देखण सार ही लाली फड़ गया। एक अजब जिही हरकत उसदे सारे बदन विच होई। उस्ताद जी आओ लंगर छको, जुगनू सत्कार सहित बोलिया। नहीं जुगनू, आनंद मंगल है, बस कंडे वाली चाह पीवांगा, लाली वल तकदा जुगनू बोलिया। लाली दी सुन के जिवें मूँह विच रोटी फुलनी शुरू हो गई। काली काली उसने रोटी दियां 2-4 बुरकियां ही कीतियां ते फटाफट चाह दी पतीली धर दी। अज उसका दिल करदा सी कि दुध विच पत्ती पा के दियां, अज ही चाह बनावा जो उसने जिंदगी भर ना पीती होवे। कोड़े मल दी उस प्रति मुहब्बत ते अज अंजू ने पक्की मोहर ला दित्ती सी, जो उसनू कदे कदे हमदर्दी ही लगती हुंदी। मुहब्बत दा बीज तां चोरी छुपे लाली दे बंजर मन अंदर भी पुंगर चुकिया सी। बस बहार दी रुत उड़ीक रहा सी, जां फिर मोह दे एक छड़ाके दी उड़ीक सी, ओह भी अंजू दे शब्दां राही बरस चुकिया सी। किसे ने कहना, लाली आ के कीता? शब्द याद आउंदियां ही ओह सोचदी, सच नाल किस दा हक रह गया मेरे ते हुण? असी यतीम ही हाँ, एक दूजे दे हमदर्द, डुबदे नूं तिनके दा सहारा ही बहुत हुंदा। जिंदगी किसे दे नाम कर देनी तां नेकी ते भलाई दा काम है। अंजू दा दोहां दे चेहरे पढ़ लेना सचमुच ही लाली लई हैरानीजनक सी, ते उह सोचदी नैणा चंद्रियां दी तां कोई भाषा भी नहीं हुंदी, फिर किवें बिन बोलियां ही जग जाहर हो जांदे ने। अंजू अगली सवेर दिल्ली वापस परत गई। गोरी कोठी उस बिना सुनी सुनी लग रही सी, कंधा कोलिया ने भी उसकी याद नूं चेत्या विच समा लिया सी। हर रोज़ लाली ते मीरा उसनूं गली गली जरूर याद करदियां रहिंदियां। लाली दा कोड़ा मल प्रति मोह दिन पर दिन गूढ़ा हुंदा जा रहा सी। उसका मुश्की जिहा रंग लाली नूं नशा जिहा चढ़ा दिंदा सी। उसदे बदन की महक गोरी कोठी के हर खुंजे विच्चों महसूस हुंदी। हारमोनीयम ते टपदे उसके हत्थां दे पोटे, झुमदी गर्दन उसनूं जानों प्यारी लगदी। असलों इश्क दा नाग दोनों पासे ही अंगड़ाई भर चुकिया सी। लाली नूं हर पल गोरी कोठी विच कोड़े मल दी उड़ीक रहिंदी। उस्ताद जी कहिंदी, माण मती होई कम धंधा करदी फिरदी, जिवें उह आप ही डेरे दी उस्तादणी होवे। चेहरे ते अजब जिहा नूर, अंगां दा भर भर जाना, पौन परचण नूं हुण उसदा जी करदा। मीरा तो सुरखी लै के उह कदे कदे पतीसी वर्गे बुल्लां नूं सुरख कर लैंदी, नैणी कजला पा के मटकाउंदी, लम्मे लम्मे वालां नूं केसी नहाउण बाद सुकण दे बहाने खुले छड्ड के वेखदी। गल की जिंदगी दी पतझड़ बहार विच तब्दील हुंदी जा रही सी। कोड़ा मल जो कदे कदे बुलाए ते ही आउंदा सी, हुण गोरी कोठी दे कम्मां विच ही उलझा रहिंदा सी, जिवें उह हुण उस्ताद ना होके सेवादार बन गया होवे।